20 साल से 25 साल से हो रही है, और कोई भी मौसम रहा हो, कोई भी दशा रही हो, देश की कोई स्थिति रही हो, मंत्री जी ने ये कार्यक्रम बंद नहीं किया, चाहे छोटा किया चाहे बड़ा किया, लेकिन इस सिलसिले को बंद नहीं किया। इसलिए हम चाहते हैं कि एक बार ज़ोरदार तालियों से इस चीज़ का स्वागत होना चाहिए कि मंत्री जी ने इसको कभी बंद नहीं होने दिया। दूसरी बात यह है कि ये सीवान जो है वो अदबी हलका है, अदबी इलाका है, जहाँ कमर सीवानी जैसे उस्ताद शायर, फहीम जोगापुरी जैसे उस्ताद शायर और बहुत से लोग हमारे बहुत से सीनियर्स यहाँ से रहे हैं, जिनके साथ मैंने मुशायरे पढ़े हैं, जौहर साहब रहे हैं और बहुत से लोग रहे हैं। तो सुनील कुमार तंग जो इस मुशायरा कवि सम्मेलन मज़ारुल हक और ये 23 दिसंबर से पूरी तरह हर तरह से जुड़े रहते हैं, उनकी दो किताबें बीच में आई थी और वो आप लोगों तक उसकी रूनुमाई नहीं हो सकी, नहीं पहुँच सकी। ये मौका अच्छा था तो मैं मंत्री जी से एक मिनट के लिए, अध्यक्ष जी से एक मिनट के लिए निवेदन करूंगा कि वो माइक पर आ जाएं, इस किताब की विमोचन हो जाए और उसके बाद फिर हम मुशायरे की तरफ आ जाएं, थोड़ा सा माहौल अदबी साहित्यिक बन जाए। तो मैं आग्रह करूंगा मंत्री जी से कि एक मिनट के लिए आप ऊपर आ जाइए। हमारे डीजे साहब भी बैठे हुए हैं, उनसे भी निवेदन कर रहा हूँ कि वो भी तशरीफ लाएं। शैलेंद्र भाई हैं, वो भी चले आए, किताब लो, किताब का है। दो 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 दो, बंदी वाली इनको लोग दे दो। जल्दी करो। सब लोग खड़े हो जाइए, जिन जिन के हाथ में किताबें हैं सब लोग खड़े हो जाए। वो एक ही चीज़ है। चलो आगे जाओ, जाओ तुम लोग आगे जाओ ना, हमें पीछे आने दो। आ जाओ तुम लोग भी, आ जाओ तुम लोग। हाँ आ जाओ, जहाँ मौका मिले खड़े हो जाओ, इसी बहाने जगह मिल जाए। मेरे ख्याल में किसी किताब के रस्म इजरा या विमोचन में इतने लोग इकट्ठा नहीं हुए जितने यहाँ खड़े हैं। बहरहाल ये भी एक खुशगवार माहौल है, मौका है, और ये हमारे श्री अवध बिहारी चौधरी जी बहुत स्नेह देते हैं, बहुत प्यार देते हैं हम लोगों को, ये उनकी वजह से ये सब हो भी जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, एक जोरदार तालियों से इसका इस्तकबाल करें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। कमाल है साहब, हाँ नहीं, मैंने इसलिए इंटरेस्ट लिया कि इसमें मेरा तबसरा छपा हुआ है। बहुत मुबारक। हाँ आप सुनील साहब और उसके बाद फिर सीधे नाज़िम मुशायरा बिरादर अबरार काशिफ साहब के हवाले ये माइक कर देंगे। सदर मोहतरम कमर साहब को चूंकि पहले से ही हम लोगों ने तय कर रखा है कि इस मुशायरे की सदारत कमर साहब करेंगे, और मैं समझता हूं कि यह नाम हम तमाम लोगों ने नहीं बल्कि हमारे तत्कालीन बिहार विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय औध बिहारी चौधरी जी ने कहा था कि सदारत इस मुशायरे की हमारे शहर के उस्ताद शायर जनाब कमर सीवानी करेंगे, और हम तमाम लोगों ने उस पर मुहर लगाई थी, और यह तय हुआ था कि इस मुशायरे की सदारत कमर साहब करेंगे। दाइस पे कमर साहब तशरीफ रखते हैं, और मैं समझता हूं
कि मैं उनके नाम का प्रस्ताव रखता हूं और अपने किसी एक दोस्त से ये गुजारिश करता हूं कि एक बार फिर तायिद करें कि इस मुशायरे को हम लोग आगे बढ़ाएं। कमर साहब की हम सब इसकी तायिद करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप लोग कमर साहब का इस्तकबाल करें। अब शुरू करा दो, शुरू कर दिन न करो। दोस्तों ये खुशनसीबी है इस मुशायरे की कि जितने शोरा फहरिस्त में शामिल किए गए थे हमारे आदरणीय और बिहारी चौधरी जी ने कहा था कि तंग साहब उन्हीं लोगों का नाम दीजिएगा जो लोग इस मुशायरे में पहुंच सके और मेरी भरपूर कोशिश थी। मैं देख रहा हूं कि वो तमाम नाम जिन लोगों से हम लोगों ने गुजारिश की थी वो तमाम लोग इस दाइश पे तशरीफ रखते हैं। एक बार उनके लिए भी आप लोग जोरदार ताली बजाएं और उनका इस्तकबाल करें। हजरत इस मुशायरे की तारीख बहुत पुरानी है। जब हम लोग तज़किरा कर रहे थे कि ये मुशायरा कब से इस मुशायरे की नींव रखी गई थी तो हमारे मोहतरम विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय और बिहारी चौधरी जी ने यह कहा था कि छात्र जीवन से मैं इस मौलाना मजहरुल हक के मुशायरे को कराता रहा हूं और आज भी करा रहा हूं। यह उनका कमाल है, उनका बड़ा दिल है जिन्होंने यह तय किया कि कौमी एकता के प्रतीक मौलाना मजहरुल हक साहब के नाम पर अगर मुशायरा किया जाए तो उसमें हमारे विधानसभा अध्यक्ष और यहां के सदर विधायक आदरणीय अवध बिहारी चौधरी जी उसमें शामिल रहते हैं। यह भी एक बात आई थी कि इसमें तंग साहब आपके किताब की रूनुमाई हो। फहीम साहब ने यह प्रपोजल रखा था तो हमारे आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय अवध बिहारी चौधरी जी ने कहा था कि मैं इजरा में शामिल होऊंगा। ये उनका बड़ा दिल है, मैं हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करता हूं कि ऐसे मौके पर भी आपने सुनील कुमार तंग को अपनी आंखों में बसा के रखा और ये बताया कि सुनील कुमार तंग अगर हमारे शहर के हैं और यहां की आवाज जहां जहां तक वो जाते हैं वहां वहां तक पहुंचाने का काम किए हैं। सीवान की आवाज वहां वहां पहुंची है तो ये मेरी कोशिश रही, लेकिन इज्जत देना आप लोगों का काम है और आप लोगों ने सुनील कुमार तंग को इस लायक समझा और ये किताब का इजरा इस तारीखी मुशायरे में करा करके आप लोगों ने बड़ा काम किया है। रूनुमाई हमारी किताब आई और उसका हुआ। आइए इस पर तफसील से कोई बात मैं नहीं करूंगा। मैं तमाम अपने शायर दोस्तों की शुक्रिया अदा करता हूं। आप अपने तमाम जो लोग भी दाइश पे हैं या मेरे सामने बैठे हुए हैं हमारे आदरणीय डिस्ट्रिक्ट जज महोदय भी इसमें शामिल हुए। यह भी हमारे लिए फख्र की बात है कि जिस कैंपस में जिस इलाके में मैं रोज एक हैंडराइटिंग और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की हैसियत से काम करता हूं वहां के डिस्ट्रिक्ट जज साहब भी इसमें शामिल हुए। यह मेरे लिए खुशी की बात इसलिए भी है कि जिस जहां मेरी पूरी जिंदगी का एक हिस्सा जिस कैंपस में कटता है वहां का प्रधान भी इसमें शामिल हुआ, यह मेरे लिए खुशी की बात है। एक बार इसके लिए भी आप ताली बजा करके और ये बताएं कि आपने वो काम किया। आइए, बहुत देर हो गई है, मुशायरे की सदारत कमर साहब कर रहे हैं।